तो अब तक आपका सारा कॉन्सेप्ट डायरेक्ट करंट के ऊपर था, आ जाओ ऐसे देखो हो गया ना 14। तो अल्टरनेटिंग करंट भी डायरेक्ट करंट की तरह ही है, थोड़ा अलग है भाई। इसमें आपको समझना होगा डायरेक्ट करंट की तरह मतलब इसके हिस्से भी दो है, जैसे डायरेक्ट करंट का दो हिस्सा था। बोर्ड पे ध्यान, ओए शांत हो जाओ भानु। अल्टरनेटिंग करंट आपको दो तरह का होगा, एक होगा एवरेज करंट, ओहो शांत, और एक होगा इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, बहुत आराम से सुनिएगा, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंतिम चैप्टर है आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस के हिसाब से। तो अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे, याद कीजिए। डायरेक्ट करंट को भी दो हिस्सों में बांटे थे, याद आता है? एक बांटे थे कौन सा करंट, एवरेज करंट, और दूसरा कौन सा था, इंस्टेंटेनियस करंट। आजा 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 बच्चा बैठो, हो गया ना 15, बोले थे ना 15, और आ जाएगा क्या? क्या बोले, अब आज हम अचानक से क्लास दे दिए, ये मेरी गलती है मानते हैं, लेकिन अगर हो गया थोड़ा बहुत क्लास रिकॉर्डिंग में चला गया तो अच्छी बात है ना। तो दो तरह करंट है, एक एवरेज करंट और एक कौन सा है, इंस्टेंटेनियस करंट। अल्टरनेटिंग करंट आप समझ ही गए, जो करंट कुछ समय इंटरवल के बाद अपना वैल्यू फिर से रिपीट करता हो। तो हम लोग ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपको जितना भी करंट हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, आई इज इक्वल टू इस फॉर्म में देखेंगे, आई नॉट क्या लिखे हम, साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ये करंट किसका फंक्शन दिख रहा है, साइन का, या आई इज इक्वल टू आपको दिखेगा आई नॉट, साइन के बजाय क्या दिख सकता है, कॉस ओमेगा टी। कौन सा टर्म क्या, ये हम सब कुछ बताएंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को हम लोग कहते हैं कौन सा करंट, पीक करंट। और करंट जो है, चूंकि साइन और कॉस का फंक्शन है, इसको हम लोग और कौन सा करंट कह सकते हैं, साइनोसॉइडल करंट, क्योंकि ये किसके हिसाब से वैल्यू अपना चेंज कर रहा है, साइन या कॉस के हिसाब से। तो अल्टरनेटिंग करंट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर आपको दिखाना है, तो उस करंट को इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ इस चैप्टर में इस फॉर्म में पढ़ेंगे, आइदर साइन या किस में, कॉस में। तो अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, आते जाओ आते जाओ। थोड़ा ही तो तुम लेट हुआ, 20 मिनट उतना दूर, यहाँ पे भी तो दो है, यहाँ बैठो। हम खुद अभी स्लो मोशन में चल रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे, क्या है यहाँ बैठने में क्या दिक्कत, फाइल के बैठ फिर कोई आ रहा है क्या, कितना हम इंतजार भाई नजरों से देख रहे हैं कि भाई किसी का छूटे ना, 30 वहां 16 यहाँ, अब तो हो गया ना 46, काफी लोग हैं। हाँ हल्का हल्का बड़ा बड़ा हो गया, खचा खच नहीं हुआ। तो अल्टरनेटिंग करंट का आप अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहीं पे दिखाओगे तो आई इज इक्वल टू किस फॉर्म में दिखाओगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और एवरेज करंट इस फॉर्म में दिखाओगे। लेकिन ये सब नॉलेज जानना सही नहीं है, हमको लगता है आप लोग इससे पहले कुछ और जानना चाहेंगे, जानना चाहेंगे ना। चलिए ध्यान सुनिएगा, इस चैप्टर की शुरुआत पहले आप डायरेक्ट जो हम लिख दिए उससे कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए पिछले क्लास या पिछले चैप्टर से रिलेटेड बात से अब हम शुरुआत करने वाले हैं। अभी तक हम टाइम पास कर रहे थे, कुछ नहीं लिख रहे थे, लिख दिए थोड़ा सा कि सब आ गए, बिटा दिए। अच्छा कोई लिखा नहीं था, टाइम पास था, बस चैप्टर का नाम लिखना था। सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हम लोग एसी डायनेमो से, एसी डायनेमो या मोटर, ठीक है। एसी डायनेमो कोई एचसीएम भी लाया है क्या, एचसीएम किसी के पास है क्या अवेलेबल, शुरू कर दे रहा है, हम तो जान के रोके हुए हैं अभी। पेज नंबर हम कितना बोले आपको, 316, कोई बात नहीं, एचसीएम नहीं है किसी के पास, कोई बात नहीं, हम तो पढ़ा ही दे रहे हैं, आप किसी और पूछो। हाँ सब जगह है एसी डायनेमो या एसी को हम लोग फिलहाल कह रहे हैं एसी जनरेटर, यही वो माध्यम है जिसके द्वारा आपके घरों में बिजली आ रही है भाई, ये जो लाइट वाइट आ रहा है वही पढ़ने आप जा रहे हैं। देखिए कैसे पढ़ते हैं, एसी जनरेटर क्या होता है, एसी डायनेमो क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक कॉयल है जो रोटेट कर सकता है, ये कॉयल है, और आप एक मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखे हुए हैं, और मैग्नेटिक फील्ड बी इधर जा रहा है, दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब इस कॉयल को आपने रोटेट किया, रोटेट करके कुछ इस तरह से ये रोटेट हुआ है,
अब अगर ये रोटेट हो गया है तो इसका एरिया वेक्टर भी तो अब बदल जाएगा। एरिया वेक्टर अब किधर हो जाएगा? एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, दिख रहा है एरिया वेक्टर? एक रेड पेन भी हम ले लेते हैं ताकि आपको एरिया वेक्टर दिखा सके। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम कौन से कैप से दिखाते हैं? एन कैप से। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अलोंग द एक्सिस जा रहा है, इसका रोटेट करने से मान लीजिए इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है? ओमेगा। इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है? ओमेगा। और ये कितना एंगल रोटेट कर गया है? थीटा। कितना एंगल रोटेट किया है? थीटा। लेट, यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स हम लिख रहे हैं। लेट ए मान लो एरिया ऑफ द कॉइल है, ए क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल। एन क्या है इसका? एन क्या है? इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है, बहुत अच्छी बात। ओमेगा क्या है यहाँ पे? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, यहां तक तो कोई कष्ट नहीं। ए क्या हो गया? एरिया ऑफ द कॉइल। एन क्या हो गया? नंबर ऑफ। और बी आपका कौन सा फील्ड है? एक कांस्टेंट और यूनिफॉर्म कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। बताइए आप सब इसमें कि फ्लक्स कितना होगा इस लूप से? वैसे आप लोग ये टॉपिक जो हम बोले एसी जनरेटर या एसी डायनेमो, ये पहली बार आप कब पढ़े थे? नाइन्थ में नहीं, टेंथ में पढ़े होंगे। ओके, तो वही चीज हम दोबारा बताने वाले हैं, बस हम प्रिंसिपल बता रहे हैं, बाकी आपको खुद से करना है। प्रिंसिपल बता रहे हैं, बाकी आपको खुद से करना है। ये देखिए, ये बताइए इससे फ्लक्स कितना जुड़ा हुआ होगा? हम लिख रहे हैं फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, कितना होगा फ्लक्स? लास्ट चैप्टर से रिलेटेड बात है, बहुत प्यार से चल रहा है। बताइए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर बी डॉट कौन सा है? डेल्टा एस। बी डॉट डेल्टा एस, जरा बताइए बी डॉट डेल्टा एस जो लिखे है, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी उनके बीच का एंगल कॉस थीटा। आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा इनटू टी। ये छोटा फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? टोटल एरिया लेना होगा। बी तो ठीक है, एरिया के जगह क्या लिखेंगे? अरे एरिया कितना है हमारा? ए बी ए कॉस क्या लिखेंगे? थीटा की जगह ओमेगा टी। बहुत बढ़िया, तो फ्लक्स हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? एन टर्म्स। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा जरा बताओ? एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अभी तक किसी को तकलीफ नहीं ना हुआ? हमने क्या किया, सिर्फ एक कॉइल जिसको आपने रोटेट किया है एक मैग्नेटिक फील्ड में, उससे कितना फ्लक्स लिंक्ड है वो निकाले। अब आप सब जानते हैं फैराडेज लॉ, फ्रॉम फैराडेज लॉ, किसी को याद तो नहीं होगा लेकिन उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं ना। फैराडेज लॉ से इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी को फॉर्मूला याद है? माइनस में डी फाई बाय डी टी। कोई बात नहीं, होता है इतना इतना चीज। ईएमएफ इक्वल टू माइनस में डी फाई बाय डी टी। बहुत ध्यान सीखिएगा, कोई लिखने मत मानिएगा पागल जैसा। हम आपको एसी शुरू किए लेकिन हमको लास्ट ही पहले डायनेमो देख लेते हैं, डायनेमो माइंड से उतर गया था, छूटा हुआ है। माइनस तो ठीक है, डी तो ठीक है, फाई की जगह पे क्या वैल्यू पुट पुट आएंगे? एन बी ए कॉस ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। बताइए जो जो कॉन्स्टेंट है वो सबका डिफ्रेंसिएशन तो नहीं होगा श्रेया? ठीक है कि नहीं? आता समझ रहा है ना? बताओ किसने का डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, उसको बाहर निकालते हैं। माइनस तो पहले से एन बाहर, बी बाहर, ए बाहर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन ओमेगा टी होता है, और आपका जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा है उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में है तो वो बाहर लिखा जाएगा, यानी इनटू में कौन लिखाएगा? ओमेगा। यहाँ पे चमक रहा होगा तो हम बता दें ये है एन बी ए, और रेड पेन से हमने लिखा है ओमेगा। अब खुद ने दिख रहा है तो कहाँ दिख रहा है? एन बी ए अलग ने क्या लिख दिया था? ओमेगा। और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी। आपने जो बात डाले होंगे उनसे अलग से ओमेगा कैसा आ गया? चेन रूल अप्लाई किया है, चेन रूल को डायरेक्ट लिखने का तरीका है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो अगर उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में तो बाहर से इंटू कर दो। तो क्या आया भाई, देखो ध्यान से, आपका बताओ क्या बचा तुम्हारा ईएमएफ का वैल्यू? ईएमएफ इज इक्वल टू क्या आया?
या ई लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा, कौन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखना बहुत जरूरी चीज प्रियांशुराज, एक बार फिर से देखो तो बाबू क्या लिखे, देयरफॉर ई इज इक्वल टू क्या लिखे प्रियांशु जरा पढ़ दो, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बढ़िया बात, यानी ये जो ईएमएफ है जो वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कोई क्वाइल को घुमाते हैं कितना एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से, तो उस क्वाइल में वोल्टेज पैदा होता है, वो वोल्टेज किसका फंक्शन होता है, साइन का, दिख रहा है। अब हमको ये समझाने की आप कोशिश कीजिए कि ये वोल्टेज मैक्सिमम कब होगा, व्हेन, जब साइन का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, जब साइन ओमेगा टी का वैल्यू मैक्सिमम यानी कितना वन हो जाए, प्लस वन, तो उस समय ई का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, एन बी ए ओमेगा, क्योंकि साइन का वैल्यू कितना हो गया, प्लस वन। बार बार हम दोबारा समझाने जा रहे हैं, उसको चिंता मत कीजिएगा भाई, दोबारे बताएंगे। ईएमएफ का वैल्यू आया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये मेन फॉर्मूला हमारा आया था, लेकिन यहाँ हमें पता चला कि भाई ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन का वैल्यू कितना हो, प्लस वन, यानी ई का सबसे अधिक वैल्यू क्या होगा, एन बी, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको हम लोग ई नॉट कह सकते हैं, नॉट मैक्सिमम बोल सकते हैं, कौन सा ईएमएफ, वोल्टेज ही है ना, क्या है, तो ये बताओ पोटेंशियल ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो एन बी ए ओमेगा जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम किस साइन से दिखा सकते हैं, ई नॉट। तो इक्वेशन नंबर, अभी तक आपको यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन था, ये इक्वेशन नंबर टू था, तो इसीलिए इक्वेशन नंबर टू इम्प्लाइज इक्वेशन दो के हिसाब से ई इज इक्वल टू, हम एन बी ए ओमेगा का जगह क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। कई किताब जिसमें एनसीईआरटी भी शामिल है वो ईएमएफ न लिख के भी लिख के चलता है वोल्ट को, क्या चीज में, तो आप चाहें तो शुरुआत से ही यहाँ ई की जगह क्या लिख सकते हैं, बात तो वही है, अगर आप भी लिख के चलेंगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब जरा आप बताइए ये जो ईएमएफ या वोल्टेज आया वो किसका फंक्शन आया, ये वोल्टेज डायरेक्ट वोल्टेज या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, जब ए वोल्टेज ही अल्टरनेटिंग है तो इसके द्वारा पैदा किया करंट भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग, और यही जो है वो कैसा करंट प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेटिंग करंट। अब बेस समझ में आ रहा है, यानी जब वोल्टेज अल्टरनेटिंग है तो करंट भी इसी के फॉर्म में, या तो साइन के फॉर्म में आ रहा है या तो कॉस के। तो ये जो आप देखते हो कि दो अलग अलग, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल रहता है परमानेंट मैग्नेट, उसके बीच में आर्मेचर कॉयल घूमते रहता है, आर्मेचर कॉयल घूमते रहता है, और उसके वजह से क्या पैदा होता है वहां पे, वोल्टेज, वोल्टेज का फंक्शन है, और उसकी वजह से जो करंट आता है वो भी किसका फंक्शन आएगा, साइन या कॉस का, और वो इसी कारण से चूंकि वोल्टेज अल्टरनेटिंग है करंट भी कैसा बनेगा, अल्टरनेटिंग। तो बेस समझ में आया ना, जो हम डायरेक्ट लिख रहे थे उसको मिटा दिए थे हम, अभी समझ में आया। अब इसमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है वो अब आपको इस साल तो आने वाला नहीं है, और ना वो जरूरत है, खिड़की बंद कर दो बच्चा एक बार, तो ठीक है, एसी चालू है, खिड़की खुला हुआ तो ही तार नहीं चला, हाँ, तो ये बात सुनिए मेरा, इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको खुद से एक बार जरूर पढ़ना है। इसमें दो रिंग होता है, याद है ना, आर्मेचर कॉयल होता है, तो पेज नंबर कहाँ से हम बोल रहे हैं, 316 से, लेकिन मेन प्रिंसिपल समझ में आ गया, ये किसका प्रिंसिपल था, एसी डायनेमो या एसी जनरेटर का, एक बार दोबारा सुन लीजिए। एक आपका कॉयल है जिसका एरिया कितना है, ए, इस कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एन है, और इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी। जब ये कॉयल इस फील्ड में घूमता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट जा रहा है, तो कुछ समय बाद मान लो ये इसके नॉर्मल वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट डेल्टा एस, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, तो बी डॉट डेल्टा एस का फॉर्मूला होगा बी डेल्टा एस कॉस थीटा। ये छोटा फ्लक्स था छोटा एरिया के लिए, पूरा फ्लक्स लिखेंगे तो पूरा एरिया कितना यूज करना होगा, ए, इसलिए एरिया की जगह पे क्या लिखे, ए, बी ए कॉस थीटा, डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। इसमें चूंकि एन टर्न है इसलिए फ्लक्स के वैल्यू में कितना से इनटू किए, एन से, फैराडे के हिसाब से अगर आपको फ्लक्स पता है और वो भी फ्लक्स टाइम के हिसाब से बदल रहा है, यानी वहां क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में डी पाई बाई डी टी, पाई की जगह पे वैल्यू क्या लिखेंगे, एन बी ए कॉस ओमेगा टी बाई में व्हाट डी टी, माइनस तो बाहर निकल गया, एन बी ए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी, अब इसका आप जानते हैं माइनस साइन ओमेगा टी,
लेकिन हाँ यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में है, चेन रूल अप्लाई करोगे तो टी के साथ जो भी इनटू में वो बाहर निकलता है, ईएमएफ इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ईएमएफ कितना आया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ईएमएफ का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब साइन का वैल्यू प्लस वन यानी मैक्सिमम हो जाए, और मैक्सिमम वैल्यू को हम किस साइन से दिखाते हैं, ई नॉट या, और इसको हम लोग पीक ईएमएफ या पीक वोल्टेज बोलते हैं, पीक ईएमएफ या इसी क्या बोलते हैं हम लोग, पीक वोल्टेज। तो इसके जगह पे हम वी नॉट या ई नॉट लिख सकते हैं ना, तो ई बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी, या वी इक्वल टू क्या हो गया, वी नॉट साइन ओमेगा टी। आसान था, जल्दी से कॉपी करें, कॉपी कीजिए, और कुछ पूछना है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अब सुनिए, अल्टरनेटिंग करंट किसको कहते हैं, एक करंट को अल्टरनेटिंग तब कहेंगे, एक टाइम वेरिंग होना चाहिए उसको, समय के साथ बदले, तो एक टाइम वेरिंग करंट को अल्टरनेटिंग तब कहेंगे जब उसका एक तो पहला कंडीशन अल्टरनेट साइकिल पॉजिटिव और क्या हो, नेगेटिव हो, और दूसरा हर साइकिल का जो मैग्नीट्यूड यानी एम्पलीट्यूड हो वो क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे। यानी जैसे कि अभी आपने देखा दो तरह करंट आप बोल रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट दो तरह का होगा, ध्यान से सुनो, पहला कौन सा करंट बोले हम, इंस्टेंटेनियस करंट या एवरेज करंट जिसको आप पहले लिखना चाहो, और दूसरा अभी हम क्या बोल रहे थे, एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट अभी अभी आप देखिए, जब वोल्टेज आपका वेरिंग है टाइम के हिसाब से, तो करंट भी समय के हिसाब से बदलेगा। आई इज इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट को हम लोग कौन सा करंट कहते हैं, पीक करंट, याद रखिएगा, और ये करंट आपका कहलाएगा साइनोसॉइडल, क्योंकि ये साइन या कॉस के हिसाब से दोनों में ही केस में इसको साइनोसॉइडल करंट ही कहेंगे। अब जैसे ये साइन के हिसाब से बदल रहा है तो आपको साइन का ग्राफ तो पता है ना, इधर साइड आपका करंट दिखा रहा है, आपका साइन का ग्राफ है, याद है, मैक्सिमम आता है आपका आई नॉट, और अगर यही चीज कॉस का ग्राफ दिखाएंगे, ये आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, लेकिन यही ग्राफ कॉस के रूप में बनाएंगे तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। दोनों ही साइनोसॉइडल है, ये कॉस के हिसाब से है, ये किसके हिसाब से है, साइन के हिसाब से, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है लेकिन कॉस जीरो पे मैक्सिमम हो जाता है। तो हम लोग तो ये समझ गए कि अल्टरनेटिंग करंट दो ही तरह का होगा, क्या हो गया, पीक मतलब मैक्सिमम, जैसे अभी वोल्टेज लिखे तो ना, वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू, जब इसका वैल्यू वन हो जाएगा तो आई का वैल्यू आई नॉट हो जाएगा ना, तो आई का वो वैल्यू जो मैक्सिमम, उसको पीक करंट या मैक्सिमम करंट बोलते हैं। ठीक है, अब सुनिए आप सब, एक मार्कर और लाए थे हम, एकदम नया नया मार्कर है, हाँ कर देते हैं, तो इधर सुन लीजिए। तो अल्टरनेटिंग करंट किसको कहेंगे, एक वैसा करंट जिसका अल्टरनेट हाफ पॉजिटिव और क्या हो, नेगेटिव, और सबका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, अगर ये मैग्नीट्यूड डैम्प हो जाता है, यानी कि कम होता, तो उसको अल्टरनेटिंग करंट हम लोग नहीं कहने वाले। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस करंट तो समझ गए, एवरेज करंट कैसे निकलता है ये पहले से भी आप जानते हैं, फिर भी एक कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये टाइम वेरिंग है, साइन या कॉस का फंक्शन है, इसके एवरेज करंट को निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान है। आई एवरेज इज इक्वल टू, मीटिंग चालू है रिकॉर्डिंग, हाँ, आई एवरेज जो आपका करंट है एक टाइम इंटरवल I into dt डिवाइड बाई टोटल टाइम dt, लिमिट जहां से जिस टाइम से जिस समय तक बोला जाएगा उसको कहते हैं। फिर से देखिए फॉर्मूला एवरेज करंट का क्या लिखे है बताइए, इंटीग्रल ऑफ I dt डिवाइड बाई वॉट dt। 11th क्लास में भी यही फॉर्मूला हम कई बार लिखे हैं, क्या लिखे एवरेज करंट का फॉर्मूला बोलिए फिर से, I dt बाई dt। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक टाइम पीरियड किसको कहते हैं पता है ना, यहाँ से यहाँ तक मोशन रिपीट नहीं हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड को हम एक टाइम पीरियड कहते हैं, फिर से रिपीट होगा, तो आपसे कोई पूछेगा एक टाइम पीरियड में एवरेज करंट कितना होता है, क्या पूछ रहे हैं बताइए हम, एवरेज करंट इन वन, कौन सा पीरियड बोले हम लोग, टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में एवरेज करंट कितना होता है, टाइम पीरियड जानते हैं ना आप, तो आप बोलेगा आई एवरेज का फॉर्मूला मास्टर साहब सिखाया है, आई इंटू डी टी बाई में क्या, डी टी। अब टाइम का लिमिट डिपेंड करता है कि मास्टर साहब क्या बोले हैं, कितना टाइम पीरियड बोले हैं, वन टाइम पीरियड मतलब जीरो से लेके कैपिटल टी, जीरो से लेके कैपिटल टी। आई का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे बताओ, अच्छा टाइम पीरियड का फॉर्मूला 11th क्लास में पता है ना, टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं, और आई इज इक्वल टू अभी अभी आपने पढ़ा आई नॉट साइन ओमेगा टी, आप साइन या कॉस कोई भी लेके चल सकते हैं। तो आई की जगह ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं
देखिएगा सब लोग, तो ऊपर में क्या लिखेंगे, आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में क्या डी टी। अच्छा नीचे में डी टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, टी लिमिट जीरो से लेकर कहां तक टी तक। बस थोड़ा सा आप अगर ब्रेन लगाना चाहते हो तो जरा बताओ ऊपर में इंटीग्रेशन से कौन बाहर निकल जाएगा, आई नॉट कॉन्स्टेंट है ना, तो ऊपर में यहाँ पे आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट, तो ऊपर में बाहर इंटीग्रेशन के अंदर खाली कौन बचेगा साइन ओमेगा टी डी टी लिमिट जीरो से टी तक, और नीचे डिवाइड में खाली कौन बच रहा है, अपर लिमिट टी लोअर लिमिट जीरो, तो खाली कौन बचेगा टी। अच्छा साइन का इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से आप में से अधिकतर लोगों को पता है, कॉस की माइनस कॉस, साइन कहते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी और लिमिट जीरो से कहां तक टी तक। अगर इस माइनस को प्लस में बदलना है तो पहले लोअर लिमिट और फिर अपर लिमिट, आई नॉट बाई टी, याद है देख लीजिए कहीं कोई तकलीफ है तो चिल्लाइए, नहीं ना है कॉस, पहले क्या लिखेंगे टी की जगह जीरो डालेंगे तो कितना आ जाएगा बीच में क्या कॉस, कौन सा टी ओमेगा में कैपिटल टी। एक बार हम फिर से समझा दे, माइनस साइन को प्लस में बदलने के लिए पहले लोअर लिमिट डाले और फिर अगर आपका मन होता तो पहले अपर फिर लोअर डालते तो माइनस बाहर में लिखते, फिर माइनस अंदर जाके वही उलट देता है, इसलिए हमने ऐसा किया। कॉस जीरो का वैल्यू फिर से देखो, आई नॉट बाई टी कॉस जीरो हम लिख रहे हैं माइनस ओमेगा का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी कितना हो जाएगा, हो जाएगा या आप टी के जगह तो क्या लिखोगे टू पाई बाई, तो टू पाई बाई ओमेगा, ओमेगा कट जाएगा तो क्या कितना बचेगा कॉस टू पाई, कितना अच्छा है जी आप लोग। आई नॉट बाई टी कॉस जीरो का वैल्यू वन और कॉस टू पाई का वैल्यू वन, वन माइनस वन कितना हो गया, एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल या एक कंप्लीट टाइम पीरियड में एवरेज करंट कितना होता है, ऑब्जेक्टिव याद रहेगा, एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज करंट कितना होता है, क्योंकि आधे समय करंट पॉजिटिव है आधे समय क्या है नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है एवरेज करंट कितना हो जाएगा जीरो, तो एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज करंट जीरो होता है। ये कई बार आपको हम बोल रहे हैं, गलती मत कीजिएगा, जल्दी से लिखिए और अगले मीटिंग में जुड़िए, कॉपी कीजिए, पहले कॉपी कीजिए फिर अगले मीटिंग में जुड़िए।